हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज हम लोग बेंस इकोनॉमिक्स के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एम जी के पी के सेमेस्टर एग्जामिनेशनस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ जहां की आपका बेंस इकोनॉमिक्स पूछता है वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ की आपका बेंस इकोनॉमिक्स पूछता है वहाँ पर भी या वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है लागत जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है वह क्या कहलाती है पहला दिया है सीमांत लागत दूसरा दिया है प्रत्यक्ष लागत तीसरा परिवर्तनीय लागत चौथा दिया है कुल लागत या फिर कॉस्ट विच चेंजेस विथ द चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल तो कॉस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तनीय लागत या फिर वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ये वो कॉस्ट है जो कि चेंज इन आउटपुट के साथ चेंज होता है बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है लागत जो वास्तव में खर्च की गई है और वित्तीय पुस्तकों द्वारा दर्ज की गई है उसे क्या कहा जाता है स्पष्ट लागत निहित लागत पुस्तक लागत या पिछली लागत या यूँ कहें

एक्सप्रेस कॉस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है सीमांत लागत का सूत्र क्या है एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी 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 सी 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 एन 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 माइनस माइनस बी है MCN N, है एम एम इज इज इक्वल इक्वल टू टू अपॉन ए सी और एम डी है एम सी एन इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन टी सी एन यानी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कुल राजस्व किसके बराबर होता है टी क्यू प्लस पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू माइनस पी ये इंटू है टी क्यू इंटू पी टी क्यू इंटू पी टी क्यू माइनस पी और टी क्यू इंटू पी डिवाइड कर सकते हैं इनटू नहीं कहेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा आपका डिवाइड ये हो जाएगा आपका डिवाइड ठीक है डी क्यू डिवाइड बाई बी TQ माइनस पी या टी क्यू इंटू पी तो TQ मतलब कि कुल राजस्व किसके बराबर होता है टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है टी क्यू प्लस पी टी क्यू डिवाइड पी या टी क्यू डिवाइडेड बाई पी सी दिया है टी क्यू माइनस पी और डी दिया है TQ टी क्यू इंटू पी तो सही क्या हो जाएगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टी क्यू इंटू पी यानी कि टोटल क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है या हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आंसमान प्रतिफल का नियम इस पर लागू होता है कृषि पर उद्योग पर सेवाओं पर उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर या यू कहें तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू द लॉ ऑफ डिमेसिंग रिटर्न अप्लाइज टू ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर ऑप्शन बी है इंडस्ट्री ऑप्शन सी है सर्विसेज या ऑप्शन डी ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारे फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में आपका ये लागू होता है यानी कि उत्पादन के हर एक क्षेत्र में यह लागू होता है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ये लागू होता है मतलब कि ये जो आपका मॉडर्न व्यू है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का ये उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है या यूँ कहें तो ये हांसमान हांसमान प्रतिफल का जो ये नियम है ये उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है यानी कि ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन में ये लागू आपका होता है अब कह रहा है अगला प्रश्न भी हाँमान प्रतिफल पर ही है यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे ही है कह रहा है कि हाँमान प्रतिफल का नियम लागू होता है कृषि उद्योग उत्पादन लग रहा है सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है चलिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने कहा था किस पर लागू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपलाइज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑल सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन नॉन ऑफ दिस तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों पे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगला क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है चर के नियम की अवस्था किसके बीच संबंध है यानी कि स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन थ्री फोर फाइव या एक तीन चार पांच चर के नियम की अवस्था किसके बीच संबंध है एक तीन चार और पांच या वन थ्री फोर फाइव तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीन यानी कि स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल वेरिएशन में कितने स्टेज आते हैं तीन स्टेजेस आते हैं फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर सेकेंड स्टेज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर एंड थर्ड स्टेज डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर तो तीन स्टेज के आते हैं यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा अगला प्रश्न है अंततः कृषि में प्रतिफल का निम्नलिखित नियम, नियम लागू होता है बढ़ते रिटर्न का नियम लगातार रिटर्न का नियम सी दिया है हांसमान प्रतिफल का नियम डी दिया है रिटर्न का कोई नियम लागू नहीं होता है या कहें तो ये प्रश्न है अल्टीमेटली द फॉलोइंग लॉ ऑफ रिटर्न अपलाइज इन एग्रीकल्चर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या नो लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाइज तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि हांसमान प्रतिफल का नियम हांसमान प्रतिफल का नियम ठीक है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे अपने अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्पादन की कौन सी विधियां हैं रूप और स्थान परिवर्तन समय और कब्जे में परिवर्तन सेवा द्वारा उपरोक्त सभी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्शन का मैथड है चेंज ऑफ टर्म एंड प्लेस चेंज ऑफ टाइम एंड पोजिशन बाई सर्विस या ऑल ऑफ तो सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सभी यानी कि चेंज ऑफ टर्म एंड प्लेस आपका मेथड है प्रोडक्शन का चेंज ऑफ टाइम एंड पोजीशन भी आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन है और सर्विस भी आपका एक तरह का मेथड ऑफ प्रोडक्शन है तो ये तीनों के तीनों ही आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है एक तर्कसंगत उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करना चुनता है या करना चाहता है जहां सीमांत उत्पादन होता है घटता और नकारात्मक बढ़ता और नकारात्मक घटता और सकारात्मक बढ़ता और सकारात्मक हांसमान प्रतिफल का नियम लागू होता है या यूं कहें तो अरिस्टल प्रोड्यूसर वुड चूज टू तो प्रोड्यूस एट पॉइंट वेयर मार्जिनल ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग एंड निगेटिव इंक्रीजिंग एंड निगेटिव डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव या इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव सही क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव यानी कि बढ़ता है और सकारात्मक हांसमान प्रतिफल का नियम लागू होता है ठीक है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव घटता है और सकारात्मक रहता है ठीक है घटता है और सकारात्मक रहता है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा अगला प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन है जब कुल एकात्मक अधिकत अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता होगी औसत उपयोगिता से कम औसत उपयोगिता के बराबर औसत उपयोगिता से अधिक या शून्य या यू कहें तो वेन टोटल यूनिट्री इज मैक्सिमम देन यूनिट्री नहीं है ये आपका यूटिलिटी है वेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम ये आपका है यूटी एक मिनट ये आपका सही है यूटी लिटी यूटिलिटी है ठीक है ध्यान दीजिएगा यह आपका यूटिलिटी है तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन एवरेज यूटिलिटी होता है इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी होता है मोर देन एवरेज यूटिलिटी होता है या जीरो होता है तो सही है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होता है जीरो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है यानी कि टी यू जब मैक्सिमम होता है तो उस दौरान आपका एम यू जीरो होता है या यू कहें तो जब आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होता है शून्य होता है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर हांस सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है स्टाम्प का संग्रह नशीले वस्तुएं छोटी इकाइयां उपरोक्त सभी या ऑन विच द फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट ऑपरेट स्टैम्प कलेक्शन इंटॉक्सिकेटिंग टॉक्सिकेटिंग कॉमोडिटीज स्मॉल यूनिट्स या ऑल ऑफ द अबव तो सही क्या हो जाएगा सही आपका हो जाएगा डी यानी कि सभी के सभी स्टैंप कलेक्शन भी इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटीज भी और स्मॉल यूनिट भी तो सभी का सभी आपका सही हो जाएगा बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है आइसो क्वाइंट के रूप में भी जाना जाता है किसे समान उत्पादन वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र को उपरोक्त ए और बी दोनों या डी दिया है इनमें से कोई नहीं तो आइसोक्वेंट के रूप में किसे जाना जाता है आइसोक्वेंट इज ऑल्सो के रूप में, तो में आपको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं यानी कि आइसोक्वेंट के दो नाम है एक तो आपका इक्वल प्रोडक्ट कर्व और दूसरा प्रोडक्ट इन डिफरेंस कर्व ये दोनों ही आपके आइसोक्वेंट के क्या हैं दूसरे नाम हैं यानी कि अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है तो तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती दर क्योंकि प्रत्येक आइसो क्वेंट आउटपुट का एक विशिष्ट स्तर दिखाता है यह पूंजी और श्रम में विभिन्न संयोजन दिखाता है या नहीं कह सकते

नहीं सकते हैं प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं दो आइसोक्वेंट जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं क्यों? क्यों क्योंकि हर एक जो आपका आइसोक्वेंट है वो उत्पाद का एक निश्चित स्तर बताता है यानी कि स्पेसिफिक लेवल बताता है यही कारण है कि दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है आइसोक्वेंट में एम क्या होता है या टी क्या करता है घटता है बढ़ता है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि घटता है बढ़ता है स्थिर रहता है यहां पे फॉर्ट नहीं होगा यहाँ पे स्थिर रहता होगा क्या होगा स्थिर स्थिर रहता है और न नवदेव उपरोक्त में से कोई नहीं तो आइसोक्वेंट में जो आपका एमआरटीएस है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन इसको कहते हैं इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ये इसका फुल फॉर्म है तो शॉर्ट में हम लोग MRTS कहते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ये भी इसको कहा जाता है तो MRTS क्या होता है डिक्रीज करता है इंक्रीज़ करता है कांस्टेंट करता है रहता है या नॉ ना ना यू कहें तो आपका ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल है घटता है बढ़ता है स्थिर रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घटता है यानी कि डिक्रीज करता है यानी कि ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला उत्पादन के उत्पादक के संतुलन की स्थिति क्या, क्या, क्या होती है उत्पादक के संतुलन की स्थिति क्या कही जाती है तो उत्पादक का जो संतुलन है वो आपका कब होता है कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर है तो so कंडीशन जो है आपका वो कहाँ होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का प्रोड्यूसर so इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो तब होता है जब आपका एपीएमपी के बराबर हो ठीक है ओके बात करते हैं आगे हमारा अगला प्रश्न है विस्तार पथ के रूप में किसे जाना जाता है फॉर्म के पैमाने की रेखा अनुपात रेखा दोनों ए और बी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं एक्सपेंशन पाथ को किस नाम से भी जाना जाता है लाइन ऑफ स्केल ऑफ फॉर्म रेशियो लाइन बोथ ए एंड बी और डी दिया है आपका नन ऑफ द तो एक्सपेंसन पाथ को और किस नाम से जाना जाता है या विस्त विस्तार पथ को किसके नाम से जाना जाता है तो विस्तार पथ को हम लोग दोनों के नाम से जानते हैं मतलब लाइन ऑफ स्केल ऑफ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और रेशियो लाइन के नाम से भी जानते हैं ठीक है दोनों ही एक्सपेंशन पाथ का ही दूसरा नाम है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न यह हमारा अगला क्वेश्चन है एक फॉर्म रिपोर्ट करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद पाँच है और पूजी के लिए श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो है तो पूजी का सीमांत उत्पाद क्या है दो दशमलव पांच दो बटे पांच तीन दशमलव पांच या तीन या फिर अफॉर्म रिपोर्ट दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फाइव एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज टू तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल का कितना होगा टू पॉइंट फाइव टू बाई फाइव थ्री पॉइंट फाइव या थ्री तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए टू पॉइंट फाइव कैसे तो देखिए ये आपका फाइव है इसको हम लोग ने ऊपर रखा एम पी ऑफ लेबर को ऊपर रखा और नीचे मैंने रख दिया एम आर टी एस एम आर टी एस कितना दिया है टू कैंसिल करेंगे मिलेगा आपको टू पॉइंट फाइव यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारे अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है पैमाने की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बी पैमाने की अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं सी पैमाने की आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं या ये सभी तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पैमाने की आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि ऑप्शन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर मेनली डिवाइडेड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज दो ही तरह की इकोनॉमीज होती हैं या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल या यू कहें तो पैमाने की आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाएं निम्न के लिए उपलब्ध हैं एक उद्योग में छोटी फॉर्म के लिए उपलब्ध है एक उद्योग में बड़ी फॉर्म के लिए उपलब्ध है एक उद्योग में प्रमुख फॉर्म के लिए उपलब्ध है या फिर एक उद्योग में सभी फॉर्मों के लिए उपलब्ध firms in an industry. तो external economies के लिए है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल टू स्मॉल फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री लार्ज फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री डोमिनेटिंग फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री या ऑल फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ सबके लिए अवेलेबल है जो भी फॉर्म्स इंडस्ट्री में हैं सारे फॉर्म्स के लिए आपके एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल हैं बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारे अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या होते हैं या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किस वजह से होता है पैमाने के अर्थ व्यवस्थाओं के वजह से विशेषता के वजह से कारकों की अविभाज्यता के वजह से या उपरोक्त सभी या यूँ कहें तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल स्पेशलाइजेशन इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स या ऑल ऑफ तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी जो भी हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वो तीन कारणों से होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऐसे बहुत सारे कारण हैं बहुत सारे रीजन्स हैं लेकिन इनमें सभी के सभी जो हैं वो रिटर्न टू स्केल के रीजन्स हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है रिटर्न टू स्केल का क्या नियम है बहुत कम अवधि बी लघु अवधि सी लंबी अवधि या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज रिलेड टू वेरी शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड या नॉन अबव सही ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी लंबी अवधि या फिर लॉन्ग पीरियड बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है पैमाने पर रिटर्न में विश्लेषण में किस बारे में बात किया जाता है चौगुनी का प्रभाव दोहरी कारण का प्रभाव टू व्हीलिंग का प्रभाव या उपयुक्त सभी सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी या इन रिटेंट

इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और निगेटिव रिटर्न टू स्केल ये तीन चरण आपके होते हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला क्वेश्चन या हमारा अगला प्रश्न है पैमाने पर रिटर्न उत्पादन कार्य है लंबे समय तक चलने वाला शॉर्ट रन मध्य रन उपरोक्त सभी रिटर्न टू स्केल इज डैश प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन शॉर्ट रन मिडिल रन या ऑल ऑफ द अबव इसमें सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव नहीं बल्कि मिडिल रन रिटर्न टू स्केज प्रोडक्शन फंक्शन तो मध्य बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है औसत स्थिर लागत को किसे विभाजित करके प्राप्त किया जाता है या यू कहें तो ए की बात की जा रही है यहाँ पे ए जो है वो कैसे मिलता है आपको पता है ए कैसे मिलेगा तो ए एफ सी इज ऑपटेन बाई डिवाइडिंग टी सी बाई क्यू टी एफ सी बाई क्यू या फिर टी वी सी बाई क्यू देखिए ए सी कैसे मिलता है ए सी आपको मिलता है टी सी अपॉन क्यू के रूप में ए वी सी कैसे मिलता है ए वी सी मिलता है टी वी सी अपॉन क्यू के फॉर्म में वैसे ही ए एफ सी कैसे मिलेगा तो टी एफ सी अपॉन क्यू के फॉर्म में बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत है कुल लागत सीमांत लागत परिवर्तनीय लागत उत्पादन की लागत या यू कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला प्रश्न है उत्पादन के कारक क्या क्या हैं? इनपुट और आउटपुट केवल आउटपुट इनपुट का न्यूनतम सेट जो एक निश्चित मात्रा का उत्पादन कर सकता है इनपुट का न्यूनतम सेट जो एक निश्चित मात्रा में आउटपुट उत्पन्न कर सकता है क्या उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट्स ऑनली इनपुट्स ऑनली या फिर द मिनिमम सेट ऑफ इनपुट दैट कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इनपुट्स ऑनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो केवल इनपुट होते हैं कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं टोटल आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ठीक है ये चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और सभी के सभी क्या हैं आपके इनपुट ही हैं ठीक है बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारे अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है जब कारकों में वृद्धि के साथ उत्पादन अनुपातिक रूप में अनुपातिक रूप से कम बढ़ता है तो हमारे पास पैमाने पर लगातार रिटर्न पैमाने पर रिटर्न घटाना पैमाने पर रिटर्न बढ़ाना उपरोक्त में से कोई नहीं या यूं कहें तो वेन आउटपुट इंक्रीज लेस देन प्रोपोर्सनली विद्रीज इन द फैक्टर्स वी हैव कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या फिर प्रोपोर्शनली तो बढ़ता है मतलब की प्रोपोर्शनलीस देन द प्रोपोर्सनली विद्रीज इन द फैक्टर्स तो क्या सही हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या फिर पैमाने पर रिटर्न घटाना बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपात का क्या नियम या परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है इसे क्या कहते हैं गैर अनुपातिक रिटर्न का नियम अनुपातिक का नियम भी कहा जाता है व्यापक और इसमें इस बढ़ते रिटर्न का नियम या उपभोक्त सभी या यू कहें तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न लॉ ऑफ प्रोर्शनैलिटी या ऑल ऑफ अबव दिया है दिया है क्या सही हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दब यानी कि लॉ वेरिएबल पर्सन तीन स्टेज होते ही हैं आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक क्या है भूमि और श्रम पूंजी संगठन और उद्यम या फिर डी दिया है उपयुक्त सभी या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज तो सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बात कर रहा है अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है जब उत्पादन सीमांत लागत में वृद्धि के साथ औसत लागत गिरती है तो लागत हमेशा औसत लागत से डैश रहती है यानी कम रहती है अधिक रहती है समान रहती है या इनमें से कोई नहीं या यूँ कह रहा है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विथ या विद एन इंक्रीज इन आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज रिमेंस डेस देन एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम रहता है ग्रेटर रहता है इक्वल रहता है या नॉन अब क्या सही होगा तो में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लोअर रहता है कम रहता है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पहला दिया है लंबे समय तक चलने वाला औसत लागत वक्र एक लिफाफा वक्र है दूसरा दिया है शॉर्ट रन औसत लागत वक्र एक लिफाफा वक्र है तीसरा दिया है औसत परिवर्तनीय लागत वक्र एक लिफाफा वक्र है डी दिया है सीमांत लागत वक्र एक लिफाफा वक्र है अमाउ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एन इनवेलप कर्व बी दिया है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एन इनवेलप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एन इनवेलप कर् या फिर डी दिया है मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज एन इनवेलप इनवेल सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एन इनवेलप कर्व बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है या हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रपोर्सन सीजेज ऑफ ऑपरेट वेयर कराए की जो परिवर्तनीय अनुपात के नियम है इसका पहला चरण कहाँ समाप्त होता है जहाँ एम अधिकतम है ए अधिकतम है वक्र ऊपरी तरफ से एम वक्र को काटता है या एम वक्र ऊपरी से एम वक्र को अपने अधिकतम बिंदु पर काटता है या एम पी इज मैक्सिमम ए पी इज मैक्सिमम ए पी कर्व कट्स एम पी कर्व फ्रॉम अपर साइड डी एम पी कर्व कट्स एम पी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम अपर साइड ठीक है एम पी नहीं होगा ये ए पी होगा सही क्या हो जाएगा इसमें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ सीरीज ऑफ ऑपरेट वेयर ये आपका हो जाएगा डी यानी कि एम पी कर्व जहाँ एपी कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट से फ्रॉम अपर साइड काटता है ठीक है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे, पे हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कम्स इन टू फोर्स बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ वेरिएजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तो सही क्या हो जाएगा आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर या निश्चित कारकों की अविभाज्यता आंसमान प्रतिफल का नियम किस कारण से लागू होता है तो निश्चित कारकों की अविभाज्यता की वजह से लागू होता है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला प्रश्न है विच प्रॉफिट इज इट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट या मोनोपोली प्रॉफिट तो आपका मोनोपोली प्रॉफिट जो होता है ये हिस्सा होता है यानी कि एकाधिकार लाभ जो है ये आपका उत्पादन की लागत का एक हिस्सा है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है टी और टी के बीच लंबवत अंतर किसके बराबर होता है या फिर द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टी वी सी एंड टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी एम सी या वी सी तो टी वी सी और टी सी के बीच का जो लंबवत अंतर है वो किसके वजह से होता है आपको पता है ये होता है आपका टी के वजह से जैसे कि आप खुद ही समझ लो तो टीवीसी इज इक्वल टू टी प्लस टी होता है अब बताओ कि टीवीसी और TC के बीच का डिफरेंस क्या होगा TFC होगा क्योंकि TC इधर चला जाएगा तो TVC वी सी माइनस टी माइनस इक्वल्स टू टी एफ सी बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है निहित लागत है कुल निश्चित लागत के बराबर स्वनियोजित संसाधनों के लिए भुगतान पूरी तरह से परिवर्तनीय लागत शामिल है हमेशा लंबे समय की तुलना में कम समय में अधिक होता है या यू कहें तो आपका जो इम्प्लीसिड कॉस्ट है ये इक्वल होता है टोटल फिक्स कॉस्ट से दूसरा दिया है पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज सी कॉम्प्राइज इंटायरली ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डी ऑलवेज ग्रेटर इन शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन इंप्लीसिड कॉस्ट क्या होता है आपको पता है कि जो इंप्लीसिड कॉस्ट है ये सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के लिए जो पेमेंट किया जाता है वही या स्वनियोजित संसाधनों के जो भुगतान किया जाता है वही आपका इंप्लीसिड कॉस्ट होता है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है किसी उत्पाद को बनाने में लगने वाली लागत क्या कहलाती है या कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट क्या कहलाता है प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट या नेट कॉस्ट तो जो आपका प्रोडक्ट में लगा लगाने वाला जो लागत है कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर उत्पादन लागत बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में हमारा अगला प्रश्न है एल वक्र इस नाम से जाना जाता है या एल एसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व कर्व बोथ ए एंड बी या ऑफ द अबव सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका इनवेल इनवेलप कर्व के नाम से भी लॉन्ग एवरेज कर्व को जाना जाता है या एल एसी वक्र को हम लोग लिफाफा वक्र के नाम से भी जानते हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है ए आर किस नाम से जाना जाता है मांग वक्र आपूर्ति वक्र उत्पाद वक्र या उप कोई नहीं या एर कर्व, को कर्व सप्लाई इसको कर्व, कर्व जानते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित लागत नहीं है यानी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट एंड प्रॉफिट इनपुट एंड आउटपुट डिमांड एंड सप्लाई आपको पता है कौन सा नहीं है फिक्स कॉस्ट में से आपका कौन नहीं है कच्चे माल की लागत यानी कि इनपुट एंड कच्चे माल की लागत कि कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो सभी के सभी के आपके हैं जैसे कि इंटरेस्ट आपको देना ही देना है इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है रेंट फैक्ट्री का देना ही देना है यानी कि ये सभी के सभी कंपलसरी हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है यही कारण है कि ये फिक्स कॉस्ट नहीं है कहने का मतलब है आपके इंडस्ट्री uh, में प्रोडक्शन होगा तभी रॉ मटेरियल्स का खर्चा है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो खर्चा किस बात का लेकिन इंटरेस्ट की बात करें चाहे आपका प्रोडक्शन हो या आपका बिजनेस चले या ना चले आपको इंटरेस्ट देना है तो देना है इंश्योरेंस प्रीमियम भी वैसा ही है उसी तरीके से फैक्ट्री का रेंट है अब कहो कि मुझे फैक्ट्री चलाना है बट बहुत समय बाद मैं चलाऊँगा अभी नहीं चलाऊँगा लेकिन मैं फैक्ट्री में रहूंगा जब भाई जब फैक्ट्री में तुम रहोगे या फैक्ट्री रेंट पे लिए हो तो रेंट का अमाउंट पे पे करना पड़ेगा आपको तो ये भी चीज है तो रेंट ऑफ फैक्ट्री हुआ चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ इंटरेस्ट हुआ ये सब के सब आपके कॉस्ट हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तभी लगेगा जब रॉ मटेरियल्स का या कंपनी में जब प्रोडक्शन होगा बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है परिवर्तनीय अनुपात का नियम किससे संबंधित है लघु अवधि लंबी अवधि ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे संबंधित है शॉर्ट लॉन्ग बोथ ए एंड बी या नॉनबल तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये आपका किससे संबंधित है ये आपका संबंधित है लघु अवधि यानी कि शॉर्ट पीरियड से संबंधित है ये आपका शॉर्ट पीरियड से संबंधित है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है सीमांत उत्पाद उस बिंदु पर शून्य हो जाता है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है उस पॉइंट पर जहां आपका टीपी क्या होता है जहां आपका टीपी मैक्सिमम होता है टीपी आपका जहां मैक्सिमम होता है यानी कि कुल उत्पाद जहां आपका अधिकतम होता है वहां पे सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी को आपको मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है इसी को बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला प्रश्न है उत्पादन फलन किसके बीच का संबंध है लाभ और हानि लागत और लाभ इनपुट और आउटपुट मांग और आपूर्ति तो आपको पता है ये जो आपका उत्पादन फलन है या जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपका किसके बीच का रिलेशनशिप है ये इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप है प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है उत्पादन फलन या फिर प्रोडक्शन फंक्शन अगला प्रश्न है उत्पादन में लघु अवधि का अर्थ क्या होता है एक दिन का एक सप्ताह का एक महीने का या फिर एक वर्ष का तो उत्पादन में लघु अवधि का अर्थ क्या होता है मतलब मीनिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड इन प्रोडक्शन इज वन डे वन वीक वन मंथ या वन ईयर सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा वन ईयर एक साल का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है या शॉर्ट पीरियड इन प्रोडक्शन का मतलब होता है एक वर्ष वैसे तो अगर हम बात करें अकाउंट्स में या फिर हमारा जो अकाउंट होता है उसमें लेखा शास्त्र जो होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो पीरियड है शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड ये आपके प्रोडक्शन पे बेस करता है ठीक है आपके ऑपरेटिंग ईयर पे बेस करता है तो ये चीज होता है बट इन इकोनॉमिक्स शॉर्ट पीरियड आपका वन ईयर का होता है उत्पादन का कौन का कौन सा कारक है जिसकी कीमत सम, से संवेदनशील है भूमि श्रम पूंजी या उद्यम यह कह रहा है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज प्राइस टेन टू मोस्ट सेंसिटिव सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या होता है सबसे ज्यादा सो सेंसिटिव होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिसका प्राइस वो होता है लेबर सबसे इसका ही संवेदनशील आपका कीमत होता है बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है हांसमान प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है सभी कारकों का कुल उत्पाद एक परिवर्तनीय कारकों का सीमांत उत्पाद परिवर्तनीय कारकों का औसत उत्पाद निश्चित कारकों का सीमांत उत्पाद या लॉ ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर या डी दिया है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अगला प्रश्न है बढ़ते और निरंतर नियम का अस्थाई चरण है परिवर्तनीय अनुपात का नियम हांसमान रिटर्न का नियम अनुपातिकता का नियम पटती उपयोगिता का नियम या यू कहें तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न आर टेम्प्ररी फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ प्रपोर्सनैलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न ये टेम्प्ररी फेज़ है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन में कितने स्टेजेज आते हैं मैंने पहले ही बताया था आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन में आपके तीन टोटल स्टेजेज आते हैं ठीक है इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न और कॉन्स्टेंट रिटर्न तो ये तीन फेजेज आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन में यानी कि परिवर्तनीय अनुपात का नियम हांसमान रिटर्न का नियम अनुपातिकता का नियम तो सही क्या हो जाएगा आपका परिवर्तनीय अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स नेशन के साथ एंड स्टिल देन थैंक यू सो मच